नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरके सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा था कि सर यूपी टेट और सी टेट के लिए की तैयारी करा दीजिए, इस वजह से हम जो है आप एक निश्चित समय निकाल करके डेली डेली वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी लोग यूपी टेट और सी टेट साथ ही साथ केवीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तथा हमसे जुड़े हुए हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ हो सके, इसलिए हम जो है अब यूपी टेट के लिए पूरी तैयारी शुरू करने का निर्णय लिए हैं। तो आज एक बाल विकास और शिक्षण विधियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण पीडीएफ फाइल है, जिसमें आपको पूरा इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो सब आपको दिया जा रहा है। आप इसको देख सकते हैं और इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से लिए गए हैं, इसलिए मैंने देखा तो ऑलरेडी मैं 3 बार 2 बार जो है यूपी टेट क्लियर कर चुका हूँ, तो मुझे लगा कि हाँ सही में ये क्वेश्चंस जो है यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल हैं इस वजह से। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने जा रही है उनके लिए जो लोग भी यूपी टेट सी टेट और साथ ही साथ केवीएस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि केवीएस एग्ज़ाम में भी 20 क्वेश्चन जो है बाल विकास तथा शिक्षण विधियों यानी शिक्षा मनोविज्ञान से आएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने जो है हिंदी का भी कोर्स एक शुरू कर दिया गया है, हिंदी के लिए एक वीडियो इसमें अपलोड किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अब कल से जो है हिंदी का वीडियो पूरा जो है एक एक वीडियो डेली अपलोड किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लड़के लड़कियों में भाषा का विकास शीघ्र होता है। तो इसमें जो है लड़कियों में भाषा का विकास शीघ्र होता है इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं तो पैतृक होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये कथन है वी युंग का, ये कथन है। अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो दोस्तों, अधिगम यानी लर्निंग, लर्निंग किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो लर्निंग एक जो है मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। इंसान जो है जन्म से कुछ ना कुछ सीखना लगता है, या तो अपने पेरेंट्स को देख करके या अपने जो कंस्पेसिफिक स्पीसीज हैं उनको देख करके वो लर्निंग करता है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। मतलब व्यवहार के कारण जो व्यवहार में आपके परिवर्तन होगा वही लर्निंग है, ये कथन गिलफोर्ड का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है, यह कथन कुरो एंड क्रो का है। सूझ का सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये कोहलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए किस पर प्रयोग किया? तो चूहों पर प्रयोग किया। पावलोव ने जो है क्लासिकल कंडीशनिंग की थी तो ये कुत्तों के साथ किए थे। पावलोव जैसे कोई भी एक स्टिमुलस देंगे तो स्टिमुलस देंगे तो तुरंत फिर रिस्पॉन्स आएगा, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो इसमें जो है क्लासिकल कंडीशनिंग जो है किया था पावलोव ने एक्सपेरिमेंट, तो ये कुत्तों पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल एंड इरर, तो प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो थारनडाइक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर ने अपना प्रयोग जो है किस पर किया? तो चिम्पैंजी पर किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम हेतु प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये थारनडाइक ने किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के सामान्यीकरण सिद्धांतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो जड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक, दोस्तों जहाँ पे नेचुरलिस्ट की बात हो, प्राकृतिक प्रकृतिवादी की बात हो, ये रूसो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशल, जब एक कौशल का अधिगम दूसरे विषय या कौशल में बाधक होता है तो उसे कहते हैं। दोस्तों, एक टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मतलब जो भी हम सीखते हैं अगर वो दूसरी जगह सीखने में हेल्प करेगा, प्रभावित करेगा, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है अगर सीखने में सहायता करता है, और एक निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है तो इसमें क्या होता है कि बाधा पहुँचाता है। तो दोस्तों, यहाँ बाधा पूछा गया इसलिए नकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास हैं, तो वृद्धि एवं विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कंटेम्परेरी, मतलब कंप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं ये।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का निर्धारण किया जाता है बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। तो दोस्तों विकास ये जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जब इम्ब्रियो बनने लगता है तब से लेकर के डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू हो जाती है और वो मृत्यु तक चलती रहती है। मतलब डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो मानव की सेल्स होती हैं, तो सेल्स में जो है 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो उसमें से मतलब एक में जो है 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मनोविज्ञान है, वर्तमान में मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन है, मतलब व्यवहार का विज्ञान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल का योगदान क्या है। 14 मूल प्रत्यावरणात्मक व्यवहार का विश्लेषण क्रिया, तो मैकडूगल ने जो है 14 मूल प्रवृत्तियों में बांटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ होता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्रारंभ से, जन्म के प्रारंभ से ही स्टार्ट हो जाता है, इम्ब्रियो जब बनता है तभी से फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब स्पर्म ओवम फर्टिलाइज करता है, इम्ब्रियो बनता है, स्पर्म है और ओवम है, फर्टिलाइज करेगा फिर इम्ब्रियो बनेगा। तो जैसे ही इम्ब्रियो बनता है तो उसमें डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और ये मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए आवश्यक है अधिगम और वातावरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की लंबाई बढ़ाना है तो वो बढ़ना क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा, अभिवृद्धि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीनियल ग्लैंड जो का से विकास होता है मस्तिष्क का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया रहती है अत्यंत तीव्र गति की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृद्धि है एक एकाकी प्रक्रिया है, जबकि विकास जो है एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, मतलब हर जगह पे ग्रोथ होगा। बालक पहले किस मांसपेशियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है। तो इसका आंसर होगा हाथ एवं पैर पर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास संबंधी नियमों की संख्या है, विकास संबंधी नियमों की संख्या कितनी है, 12 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में पठार का मुख्य कारण क्या है। जब उत्साह में अवरोध हो जाता है, लर्निंग प्लेटू जब आ जाता है, मतलब सीखने का पठार, तो लर्निंग प्लेटू जब आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि इंसान सीख नहीं पाता है। मतलब ये क्या होता है, या तो उत्साह में कमी हो जाएगा, सब्जेक्ट की एक सीमा रहती है, एक शारीरिक सीमा, इनकी वजह से जो है लर्निंग प्लेटू आ जाता है, मतलब सीखने का पठार, जिसको अधिगम का पठार कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्बलन का सिद्धांत देन है, किसकी देन है, डोलार्ड एवं मिलर की देन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था का नियत समय है, शैशवावस्था का समय कब से है, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक प्रेरक हैं, तो ये नींद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलने की सीखने की खेल विधि उपयोग हुई लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडसा परीक्षण या स्याही धब्बा परीक्षण विधि के आविष्कारक हरमन रोडसा किस देश के निवासी हैं। तो दोस्तों ये रोडसा जो परीक्षण है वो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का आयामी सिद्धांत ये स्पीयरमैन ने दिया। टू फैक्टर थियोरी, मतलब एक जनरल होता है और एक स्पेसिफिक होता है, ये भी स्पीयरमैन ने दिया था, स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का पहला चरण है तो पहले से योजना बनाना। तो दोस्तों इसीलिए जब भी आप टीचिंग करने जाते हैं तो उसमें आपको एक लेसन प्लान बनवाया जाता है। तो लेसन प्लान क्या है, आप पहले से एक योजना बना के जाते हैं कि आज जो है ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा इस प्रकार से, तो पहला चरण होता है योजना बनाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन मनोविज्ञान के किस संप्रदाय का जनक माना जाता है। तो वाटसन दोस्तों व्यवहारवादी थे, इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई, ये वुंट ने किया था, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो वुंट ने स्थापित किया था, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला वुंट ने स्थापित किया था और कहाँ पे, जर्मनी में 1897 में। तो दोस्तों ये रहे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे,
अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही और वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ इस पे कमेंट करके हमें बताइए, और आपको इस वीडियो को कैसा लगा इसको ज़रूर बताइए। साथ ही साथ जो लोग भी यूपी टेट, सी टेट तथा केवीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको और वीडियो ऐसे ही चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को बनाया जा सके। तो नेक्स्ट वीडियो एक हिंदी का भी अभी अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ अभी यूपी पीसीएस का जो करंट अफेयर्स तैयार कराया जाएगा, वो भी आप पूरा इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।